भाजपा सरकार ने भले ही अधिकारियों को पीड़ित लोगों की सुनवाई करने का फरमान जारी किया हो, लेकिन जिले में देखें तो पीड़ित प्रार्थना पत्र लिए अधिकारियों के पीछे पीछे घूमता रहता है, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और प्रार्थना पत्र देखते ही पीड़ित को जाने को कह दिया जाता है, लेकिन जब मीडिया के कैमरे पर अधिकारियों की नज़र पड़ती है तो पीड़ित को बुलाकर उसकी सुनवाई होती है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला भाजपा सरकार द्वारा लगाए जा रहे लोक कल्याण मेले में, जहां पुलिस की प्रताड़ना से क्षुब्ध एक महिला जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंची, जिसके बाद क्या हुआ ये देखते हैं कन्नौज से, ये स्पेशल रिपोर्ट। जिलाधिकारी से मिलने की आस में पीछे पीछे घूम रही ये महिला गीता देवी है, जिसकी जमीन पर सिविल न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। इसके बावजूद स्थानीय पुलिस दरोगा इसकी जमीन पर अवैध निर्माण कराने को लेकर नींव खुदवा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस का दरोगा दबंगई पर उतारू है और उल्टा उसके ही लड़के को पकड़कर पुलिस ले गई। इसकी शिकायत करने को पीड़िता अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई करने वाला नहीं है। पीड़िता जब इस मामले की शिकायत के संबंध में जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पहुंची तो जिलाधिकारी कार्यालय में नहीं थे। उसको जानकारी हुई कि जिलाधिकारी लोक कल्याण मेले का निरीक्षण कर रहे हैं, तो पीड़िता जिलाधिकारी से मिलने मेले पहुंची और जिलाधिकारी के पीछे पीछे प्रार्थना पत्र लेकर घूमती रही। जिलाधिकारी ने पहले तो महिला से प्रार्थना पत्र लेकर वहां से जाने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मीडिया के कैमरे पर पड़ी तो उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और फिर उसकी शिकायत पूछी, जिसके बाद मामला जमीनी विवाद से जुड़े होने के कारण जिलाधिकारी ने प्रार्थना पत्र कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को दे दिया, लेकिन एसडीएम साहिबा ने मामला अपने हाथ में लेकर महिला को ठोकरे खाने को वहीं छोड़ दिया। देखिए क्या कुछ कहा एसडीएम शालिनी प्रभाकर ने। आपकी समस्या क्या है बताइए। समस्या ये है कि दरोगा जी हमें एक बात उन्होंने बिना सुने उन्होंने बंद कर दिया है, बिना सुने निर्माण कार्य बंद करवाया है। आप पहले सुने नहीं है तो चौक इंचार्ज गए बंद करवा दिए, अब क्या चाहिए भाई। महिलाओं की क्या समस्या थी अभी आपने सुना कि महिलाओं का ये कहना था कि न्यायालय में बात विचाराधीन है और वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, ये समस्या लेके हमारे पास आई। जब पूरी जानकारी की गई तो पता चला कि कल शाम को ही चौकी इंचार्ज वहाँ जाके निर्माण कार्य बंद करवा दिए थे। उसके बाद उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारी समस्या क्या है, हमें किस बात का एक है, और जो है सिविल न्यायालय में है तो बात सिविल न्यायालय से होगा और तब तक के लिए निर्माण कार्य वहाँ बंद है और बंद रहेगा जब तक कि फैसला आ नहीं जाता। ये कंप्लेन कर रही है कि दरोगा जो है वो इनकी समस्या ये हमारे लिख के दें पहले, क्योंकि समस्या जो इसमें है ये प्रार्थना पत्र है और इसमें निर्माण कार्य रोके जाने की बात कही गई है, तो निर्माण कार्य कल शाम से रुका है। दरोगा ने कुछ पैसे भी लिए हैं वहाँ के, ये लिख के तो दें, क्योंकि किसी भी सरकारी अधिकारी पे कंप्लेन करने से पहले उसको शपथ पत्र पे लिख के देना होता है, क्योंकि कोई किसी की भी कोई भी थर्ड पर्सन आगे किसी भी अधिकारी कर्मचारी पे लगा सकता है ये चीज़ आरोप, तो शपथ पत्र पे लिख के दे उसकी पूरी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। मेरा रोड पे खेत है सारा कब्जा कर लिया, जिन्याज भर दी है रामदास ने, पुलिस सिंह गया बोले रोके गए मुंह के प्यासे तो बोले कि हम तुम्हारा नहीं न्यायालय, हम नहीं तुम्हारी न्यायालय बोलेंगे, हमने कहा सर तो कुछ बोले ही नहीं, तो हमारा लड़का पकड़ के बंद कर दिया, तो हम उसमें भागने लगे, बेस्ट टाइम कर दो हमारा बच्चा पकड़ के बैठा लो, हम उसके साथ हम पीछे भाग गए, तो हम रो रो कहा कि साहब मेरा कोई कहने वालों नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट।